क्या मजबूरी है जी? I want to know. आखिर इतनी बड़ी क्या मजबूरी है कि तुम हमारी बेटी को घर नहीं ला सकते? Tell me. किसी के बिना तुम कैसे रह सकते हो? और मेरे अलावा इस पे तो तुम्हारा भरोसा नहीं करूंगा। उल्टा तुम्हें बहुत प्यारी भी है। तुम मेरी शक्ल मत देखना। अरे एटलीस्ट इन सबके लिए कैरी के लिए प्लीज कर। 5 साल पहले आपने माई जीएस पांच साल पहले मैंने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, मैंने अपनी कैरी के बारे में नहीं सोचा। ये बातें मैं जानता हूँ इडली। लकड़ी सांसे जीएस को करने के लिए 5 साल कौन से मौका तक मांग लिया यार। बिलीव मी, ट्रस्ट मी। अब तो गलतियां करना बंद कर, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, फिर भी आप खिड़की ताप के उसे आपको क्या मिल गया? इसीलिए इतना बड़ा तमाशा हुआ। तुम्हें क्या लगता है वो शर्मा तुम्हें यहाँ से निकलवाने का और कोई बहाना नहीं ढूंढता? वो सोसाइटी में वो औरतें कैसी बातें कर रही थी आप सबने सुना ना। मैं ऐसे माहौल में अपने मंकी को नहीं रहने दूंगा। ओके, हर सोसाइटी में ऐसे लोग रहते हैं या अथर्व जी। आप किसी भी सोसाइटी में हमसे ऐसे मिलने आएंगे, लोग ऐसी बातें करेंगे। ओके, क्या कहना चाहते हो तुमसे मिलने? मेरा मतलब है कि मैं अपने मंकी से नहीं मिल सकता। मैं और अपने राणा मैंशन में बड़े आराम से रहता और मेरी बेटी ये इस हालत में टपकती छत के नीचे रहती है। मैं वहां एसी में सोता हूं और मेरी बेटी यहाँ इस गर्मी में। मैं नहीं डिजर्व करता ये सारे कंफर्ट, ऐसो आराम में नहीं डिजर्व करता। लेकिन मेरी बेटी इस दुनिया की सारी खुशियां सारे कंफर्ट डिजर्व करती है, उससे ये हक तुम भी नहीं छीन सकते। ओके, नहीं कह रही। मंकी, चलो घर में कभी पानी की कमी तो नहीं। काफी क्यूट लग रहा है एकदम छोटा सा, है ना दीदी? हाँ लग रहा है। नो थैंक्स, मैं इस टाइप की जॉब्स नहीं कर रही। सारा सामान खरीदने का वक्त नहीं है, जैसे ही मैं अपनी मुझे तो उसे माफ मत कर, मुझे भी माफ मत कर। थैंक यू भाई। सीन के बारे में बात करूंगा कि सच में क्या चल रहा है? हाँ, सीन बेसिकली इमली और मेरा झगड़ा चल रहा था। झगड़ा नहीं, मतलब दोनों के टेक्स हैं लाइफ को लेके। वो अपने टेक में मतलब आगे बढ़ रही है कि नहीं मैं अपने बलबूते पे सब करूँगी, अपनी बेटी को पालूंगी। वैरन मैं बोलता हूँ यार नहीं, क्योंकि इससे पहले एक हादसा हो जाता जहाँ सारे पूरी कम्युनिटी के लोग उसको बुरा भला बोलते हैं, कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं। तो मैं वही बार बार बोलता हूँ कि कितना मना कर लेगी एंड ऑल, पर मेरी बेटी वैरन आई एम तो मुझे सारे कम्फर्ट मिल रहे हैं घर में रह के, मेरी बेटी सफ़र कर रही है तो मैं नहीं चाहता। तो उसी दो टेक्स पर लड़ाई हो रही थी यार। इस चीज़ को मतलब कितनी जल्दी आप मना लेंगे मैम को, इन सारी चीज़ों को लेकर? कोशिश हर एपिसोड में रहेगी। देखते हैं कब तक मानती है, पर एब्सोल्युटली एज बीइंग अ मदर कहीं ना कहीं उसे रियलाइज होगा कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ जो होता है उसको आने वाले एपिसोड्स में, और कैरी को लेके वो वापस घर आएगी। जी मैं हमेशा मतलब जो बोलता हूँ मेरे थैंक यू बोलना चाहूँगा फैंस का यार, कि TRPs बढ़ रही हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, और सबसे बड़ी बात हम मोटिवेटेड होते हैं अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि जब सबको पसंद आता है तो बस ऐसे प्यार करते रहिए। दैट्स इट।